हाय फ्रेंड्स, मैं गुड्डू और मेरा चैनल टेक गुड्डू सोनी में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा देख रही है कोको कोला का फ्रिज है। तो फ्रेंड्स, ये जो है बीसी कूलर, जो आगे से शीशे वाला फ्रिज होता है वो है। और फ्रेंड्स, इसमें दिक्कत ये है कि जो हमारा कंप्रेसर तो ऑन हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, मगर हमारा फैन नहीं चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे कि आखिर दिक्कत क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको ऑन करते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या हमारा फैन चल रहा है कि नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे हमने इसको चालू किया, पंखो तो ये देख रहे हैं ये कंप्रेसर हमारा चल रहा है, मगर फैन जो है नहीं चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, फैन जो है वो नहीं चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आइए इसका फॉल्ट देखते हैं कि आखिर क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें फ्रेंड्स एक दो वायर चूहे ने कट कर रखा है, वो आपको दिखा देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, चूहे ने वायर को कट कर रखा है। इसको हम जोड़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमारा फैन चल पाता है कि नहीं चल पाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये देखिए इधर लाइट वगैरह भी फ्रिज का नहीं जल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो हमारा कंप्रेसर सिर्फ चालू हो रहा है और अंदर का लाइट ना यू ऑपरेटर का फैन ये नहीं चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो वायर कटा है इसको हम जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद फिर देखते हैं कि क्या हमारा सिस्टम चालू होता है कि नहीं होता है। निकाल दूंगा से। तो चलिए हम इसको अब जोड़ते हैं। निकाल दूंगा से। ठीक है फ्रेंड्स, तो निकल गए, हमने प्लग आउट कर लिया, यानी कि जो हमारे प्लग था उसको हमने निकाल दिया। अब इसको हम जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद चालू करके देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, क्योंकि ये जो हमारा वायर है देख रहे हैं कनेक्टर है, और इसके अंदर घुस के चूहे ने दो वायर को कट कर रखा था। तो इसको हम जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं। तो हमने फ्रेंड्स जोड़ लिया, फिर हम मशीन को चालू करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या हमारा चल पाता है कि नहीं। तो चलिए इसको चालू कर देते हैं। ठीक है फैन, तो कंप्रेसर ऑन हो गया, फैन नहीं चल रहा, ठीक है फैन। कंप्रेसर अब भी ऑन हो गया मगर फैन नहीं चल रहा, क्या हमारा अंदर का लाइट जल रहा है ये चीज़ देख। तो फ्रेंड्स, यहाँ लाइट भी नहीं जल रहा है। तो अब इसको देखते हैं कि आखिर क्या इसमें दिक्कत है, क्योंकि लगाने के बाद भी लाइट जलना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और ये पीसीबी से कंट्रोल हो। तो फ्रेंड्स, जैसे देख रहे हैं ये दोनों थिम्बल देख रहे हैं आप, ये जो है हमारा, ये हमारा लाइट का और फैन का कनेक्शन था यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। और काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब हमारा सिस्टम चालू नहीं हुआ, फैन चालू नहीं हुआ, तो हमने इसको डायरेक्ट किया और इसको हमने टेपिंग करके, और फिर हम देखते हैं इसको चला करके क्या हमारा जो है सारा फंक्शन चालू होता है, यानी लाइट फैन ये सब चालू होता है कि नहीं। तो फ्रेंड, चलिए इसको चालू करके देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या आगे फॉल्ट है। तो फ्रेंड, चलिए इसको हम चालू करते हैं और फिर इसका हम रिजल्ट देखते हैं कि क्या रिजल्ट में आ रहा है। तो फ्रेंड, जैसे देख रहे हैं हमने इन दोनों जो थिम्बल था उसको निकाल कर हमने यहाँ शॉर्ट करा रखा है, और हमारा मोटर चल रहा है, ठीक है, और हमारा कंप्रेसर भी चल रहा है, ये देख रहे हैं, इसको हमने शॉर्ट करा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आगे हम लोग लाइटिंग का भी चेक करेंगे कि लाइट हमारा जल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसको भी हम चेक करते हैं। बाकी मेरे को लग रहा है या तो ये ट्रांसफार्मर ख़राब है या ये पीसीबी किट ख़राब है, ठीक है फ्रेंड्स, वैसे मेरे को लग रहा है। बाकी इसको प्रॉपर चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी इसका हम लोग लाइट भी चेक करते हैं कि आगे लाइट जल रहा है कि नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख रहे हैं लाइट भी जल रहा है, अंदर ईवेपोरेटर भी चल रहा है,
ठीक है फ्रेंड्स, और ये सारे कुछ हमारा जो जल रहा है ठीक है फ्रेंड्स। मगर ये इसमें एक दिक्कत ये होगा कि हम अगर उस बीम को डायरेक्ट करते हैं तो हमारा जो कूलिंग करने के बाद लाइट सारा कट ऑफ हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स। कूलिंग होने के बाद जब थर्मोस्टेट सिस्टम को बंद करेगा उस टाइम क्या होगा कि हमारा जो जितना लाइट है बाहर का जो कि जलना चाहिए वो जलेगा नहीं, वो बंद हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें यही एक दिक्कत रह जाएगा, बाकी देखते हैं कंपनी वाले किट अगर प्रोवाइड करते हैं तो। फाइनली दोस्तों हमने चला दिया, अगर आप इसको काम करना चाहते हैं तो देख रहे हैं इसका पूरा सिस्टम बाहर आ जाता है फ्रीज से ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे लॉक दिया हुआ है, कब्जा दिया है, उसको पकड़ के खींचेंगे बाहर के साइड आ जाएगा। और इसमें जो भी दिक्कत है फॉल्ट फाइंड करके आप इसको अंदर टेल देंगे वो चला जाएगा ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चला था और दिखा देते हैं आपको कैसे पकड़ के खींचना है ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि लोग फंस जाते हैं कि इसमें जगह है नहीं, तो देख रहे हैं फ्रेंड्स इस प्रकार खींचना है और इसको फिर अंदर को प्रेस करेंगे अंदर चला जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो फ्रेंड्स चलिए।